भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। इनफैक्ट अब हमारी नज़रें तीसरे पायदान पर हैं और बहुत सारे जानकार मानते हैं कि इसका एक बहुत बड़ा कारण है इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर, और इस सेक्टर को आगे भी यही रोल प्ले करना है। तो हमने सोचा क्यों ना बात की जाए देश के सबसे बड़े बैंकर से। जी हाँ, हम पहुँच गए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आइकॉनिक हेडक्वार्टर्स में, नरिमन पॉइंट पर, और मेरे सामने बैठे हैं देश के सबसे बड़े बैंकर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा साहब। खरा साहब, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और इतने बिजी शेड्यूल से आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खरा साहब, मैं यहाँ पर आज थोड़ी बड़ी बातें करने आया हूँ, बिग पिक्चर टर्म्स में। तो मैं देख रहा था आपके पिछले क्वार्टर के नंबर्स, और अगर फिर उसमें मैं Q1 के नंबर्स जोड़ दूँ तो आपका इस हाफ का नेट प्रॉफिट करीब करीब 31,000 करोड़। पिछले साल पूरे साल का प्रॉफिट पहली बार 50,000 करोड़ क्रॉस हुआ था। तो ये जो ट्रेजेक्ट्री है, ये अब इसी तरीके से आगे कंटिन्यू करेगी आपके हिसाब से? मैं आशा करता हूँ कि हम इस ट्रेजेक्ट्री को मेंटेन कर पाएंगे। उसका कारण यह है कि जिस तरह की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं और उनके चलते हम लोगों का इंटरेस्ट इनकम काफ़ी अच्छा होने की आशा है। एक ही सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें इंश्योर करने की एसेट क्वालिटी सबसे बढ़िया रहे, जो कि हम लोगों ने गत वर्षों में डिमॉन्स्ट्रेट किया भी है। और हम लोगों ने जैसे हमारा नेट NPA जो है इट इज़ मच लेस देन 1%, और हमारा क्रेडिट कॉस्ट जो है इट हैज़ कम एट ए वेरी वेरी लो लेवल। तो ये एक और ग्रॉस NPA भी जो है 2.5% के करीब है। तो उसके चलते जो है मेरे को पूरी आशा है कि हम इस ट्रेजेक्ट्री को मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में जैसे हम लोगों ने अपना अंडर राइटिंग के स्टैंडर्ड्स को स्ट्रेंथन किया है और उसके साथ साथ कंट्रोल एंड फॉलोअप के ऊपर पूरा ध्यान है हमारा, उसके चलते SMA 1, SMA 0, SMA 1, SMA 2 भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में हैं, और स्लिपेजेस रेशो काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल हो गई हैं। तो इस तरह की ट्रेजेक्ट्री को मेंटेन करने के लिए काफ़ी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर काफ़ी एफर्ट्स किए गए हैं, और इसी कारण से मेरे को लगता है कि हम शायद इस तरह की परफॉर्मेंस को बरकरार रख पाएंगे। मैं कुछ नंबर्स लेकर आया था सर। PSU बैंकों में बहुत बड़ी रैली हुई है, आपने देखा भी होगा। FY 15 से FY 20 में पूरे सेक्टर का प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 8.4 लाख करोड़, जिसमें प्रोविजनिंग हो जाती थी 10 लाख करोड़ से ऊपर की, और नेट लॉस था। उसके बाद FY 21 और FY 22 में सिर्फ 2 साल में ये 6.4 लाख का प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, उसके सामने 2 लाख करोड़ का पैट, और FY 23 उससे ही बेटर रहा, और FY 24 का फर्स्ट हाफ काफ़ी बेटर रहा है। PSU बैंकों में क्या पूरी तरीके से क्लीन अप हो चुका है, और क्या यहाँ से अब आपको लगता है कि वो जो एक एसेट क्वालिटी का एक जो जिन था वो वापस शायद ना आए? ये एक वास्तविकता है कि सभी PSU बैंक्स ने अपना जो जो क्रेडिट रिव्यू है उसके ऊपर काफ़ी फोकस किया है। गत 3 वर्षों में काफ़ी हद तक उसमें सुधार लाया गया है, और इसी कारण से जो आपने अभी नंबर आपने शेयर किए, जबकि जो कि मैं नॉर्मली कंपेयर करता हूँ कि नेट प्रॉफिट टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो वो एक हम लोग आपस इंटरनली हम लोग एक ये नंबर मॉनिटर करते हैं, नेट प्रॉफिट टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, और वो हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में हमारा नेट प्रॉफिट टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो है बाकी बैंकों से कहीं बेहतर है। तो इस कारण से जो है ये दिस इज नथिंग बट ए रिफ्लेक्शन कि आप प्रोविजन कितना कर रहे हैं, और प्रोविजन की जो रिक्वायरमेंट है एक तो जो कि एसेट क्वालिटी अच्छी होने के कारण, और दूसरा ये है कि जो जो उसका टाइमिंग इश्यूज हैं, जो कि एजिंग प्रोविजन हमें करना पड़ता था, वो सब भी नहीं रहे हैं, और प्रोविजन कवरेज रेशो काफ़ी अच्छा हो चुका है सभी बैंकों का। तो इस कारण से जो है अभी प्रोविजन कहीं कम हो गए, और आने वाले दिनों में मेरा ये मानना है कि शायद ये नेट ऑपरेटिंग रेशियो टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और भी अधिक इम्प्रूव कर जाएगी। बिल्कुल, मैं इनफैक्ट देख रहा था आपका प्रोविजन कवरेज रेशियो अब काफी इम्प्रूव हो चुका है, और क्वार्टर क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर ये जो नंबर है ये लगातार आपका बढ़ रहा है, और अब 76% पर हम आ गए हैं यहाँ पर। जी, अगर हम मौका को इग्नोर करते हैं, अदरवाइज हम जो है 91% का प्रोविजन कवरेज रेशियो है, और कॉर्पोरेट बुक हमारी तकरीबन 99.5% तक हमने प्रोवाइड फॉर कर दिया गया। इनफैक्ट सर, मैं आपका NPS देख रहा था, Q2 FY 22 में ग्रॉस NPA 4.9% था और नेट NPA 1.5% था। वो क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर 4.9 से 4.5, 4.0, 3.9
करते करते अब हम 2.6% पर आ गए और नेट एनपीए में हम उस नंबर पर 0.6% पर आए। तो अब एक ये क्या एक प्लेटू होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से एक कहते ना कि यू विक्टिम ऑफ योर ओन सक्सेस, अब यहाँ से क्या है मतलब और इम्प्रूवमेंट का तो गुंजाइश थोड़ी कम हो जाएगी। उसमें उस इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखना रहेगा कि थोड़ा इकोसिस्टम में जो सुधार हुआ है इन टर्म्स ऑफ आईबीसी कोड आने के कारण, और दूसरा जो कॉर्पोरेट्स का लीवरेज बहुत कम हो गया है, कॉर्पोरेट्स आर वेरी माइंडफुल व्हाइल दे आर रेजिंग एनी लोन, तो इस कारण से जो है एक तो कॉर्पोरेट्स का जो बिहेवियर है वो कहीं अच्छा है, और जहाँ तक बैंक्स का जो है रिस्क का अंडरस्टैंडिंग है और रिस्क मैनेजमेंट है वो काफ़ी हद तक उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है। तो इस कारण से मेरा को ये लगता है कि शायद हमारी तरफ से कोशिश ये होगी कि शायद हम अगर इसको और भी कम कर पाएं, और चूंकि हमारा जो रिटेल बुक है वो तकरीबन हमारा 12 लाख करोड़ तकरीबन जो है 1/3 बुक हमारा रिटेल बुक है, जो कि उसमें रिटेल में जो है हम इसमें एग्रीकल्चर और एमएसएमई को नहीं ऐड कर रहे हैं, उस वो ही तकरीबन 12 लाख करोड़ है। अगर हम एमएसएमई और एग्रीकल्चर को भी ऐड कर लेते हैं तो वो तकरीबन हो जाएगा और 18 से 19 लाख करोड़ तक का जो है वो बुक हो जाएगा। लेकिन रिटेल में 12 लाख करोड़ का जो जो बुक है उसमें ग्रॉस एनपीए हमारा है 0.70। तो 0.70 ग्रॉस एनपीए का मतलब ये हो गया कि ये पूरा पोर्टफोलियो का ये एनपीए बिल्कुल, तो जो कि एक काफ़ी अच्छी क्वालिटी हम लोगों ने मेंटेन की है। उसको मेंटेन करने का कारण ये है कि हमारे जो अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि हम एनएमआई ईएमआई रेशो को हम देखते हैं, जो कि हम जो है असेट कवरेज देखते हैं उसमें, तो वो काफ़ी हमने काफ़ी स्ट्रीमलाइन कर दिए, और साथ ही साथ लोन मैनेजमेंट सिस्टम ऐसे बना दिए गए हैं जिसमें कि डिस्कशन का कोई स्कोप नहीं रहता है। तो इस तरह से वो अंडरराइटिंग प्रैक्टिस जो है बहुत टाइटन कर दी गई है, और उसके चलते जो है हमारी क्वालिटी भी अच्छी हमें दिखाई दे रही है। तो ये कुछ हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है इन सब चीज़ों में, आशा करता हूँ कि हम इसको मेंटेन कर पाएंगे और कुछ हद तक कम भी करने में सफल रहेंगे। तो इसमें खरा साहब कुछ एक हद तक क्या आप ये बोलेंगे कि इसमें एक कंट्री का भी रिफ्लेक्शन है, मतलब एक तो ऑब्वियसली बैंकों का है, आप पीएसयू बैंकों का, एक जिस तरीके से एक कंट्री में एक डिसिप्लिन आ रहा है लोन्स को लेकर, उसको रीपे करने को लेकर, कोविड के बाद जो एक समय एक रिस्क लग रहा था कि शायद बैंकिंग सिस्टम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्या एक तरीके से वो एक गया एक फियर जो था, क्योंकि इकोसिस्टम जितना स्ट्रेंथन किया गया है इस दौरान, और साथ ही साथ बोरोस के लेवल पर भी काफ़ी जो है डिसिप्लिन हो गया। रिटेल बोरोस तो ब्यूरो स्कोर के चलते जो है बहुत कॉशियस हो गए, और कॉर्पोरेट बोरोस जो हैं वो इंसॉल्वेंसी मैकेनिज्म को देखकर बहुत कॉशियस हो गए, और साथ ही उन्होंने रियलाइज़ किया है कि अगर लीवरेज को प्रॉपरली डिप्लॉय नहीं किया जाए तो इट कैन बी डिजास्ट्रस। तो ये एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो गया है। तो इस कारण से जो है इकोसिस्टम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। बिल्कुल सर, आपकी लोन ग्रोथ देख रहा था मैं, लगातार पिछले 6 क्वार्टर से डबल डिजिट में और हाई टीन्स में भी है एक्चुअली, सिर्फ इस क्वार्टर में थोड़ा 13.3 रहा, अदरवाइज 15, 17, 18, 20%। अब क्योंकि बेस इफेक्ट कैचअप करेगा, यहाँ से लोन ग्रोथ किस तरीके की एक्सपेक्ट करें? देखिए रिटेल तो हम जो है पिछले 3 साल से ऊपर हो गया, जबकि हमारा कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो है 17% रहा है, और अभी भी जिस तरह का हम सोर्सिंग और सेंक्शनिंग देख रहे हैं, आशा करते हैं कि इसमें अभी भी हम जो है 14 से 16% तक का ग्रोथ रिटेल में अभी भी रहेगा। हम लोगों ने एमएसएमई में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखा है, पिछले क्वार्टर में तो 23% का ग्रोथ आया है, और सिमिलरली एग्रीकल्चर में भी हम अच्छा ग्रोथ देख रहे हैं। सिर्फ जो लार्ज कॉर्पोरेट बुक है उसमें थोड़ा ग्रोथ उतना स्ट्रांग नहीं है, उसका कारण यह है कि हम लोगों ने देखा है कि देयर इज ऑलवेज अ गैप, जबकि जो है आप इन्वेस्टमेंट एनविसाइज करते हैं और एक्चुअल अवेलमेंट या जो लोन बुक में ग्रोथ होता है। उस कॉन्टेक्स्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि पिछले साल मार्च एंडिंग 23rd of March जो प्राइवेट सेक्टर का कमिटमेंट है वो 37 ट्रिलियन का था, और मार्च एंडिंग 22 यही कमिटमेंट जो है 22 ट्रिलियन का था, और अभी भी फर्स्ट हाफ में इस साल के ये कमिटमेंट 15 ट्रिलियन का है। तो इसका अभिप्राय यह है कि जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है प्राइवेट सेक्टर से, वो इन्वेस्टमेंट जो है वो कमिटमेंट हो रहा है।
और उसके लिए पार्ट ऑफ इट विल बी फंडेड बाय इक्विटी एंड पार्ट विल बी फंडेड बाय डेट. और हम लोग भी जैसा हमारे बैंक के लेवल पर ही हम लोगों ने देखा है कि तकरीबन 4 ट्रिलियन के करीब हमारे पास जो लार्ज कॉर्पोरेट्स के लोन प्रपोजल या तो पेंडिंग डिसबर्समेंट्स हैं या दे आर अंडर द सेंक्शनिंग प्रोसेस. सो दिस इज वेरी क्लियर रिफ्लेक्शन कि इन्वेस्टमेंट का जो है ट्रैजेक्टरी बड़ा क्लियर है और इन्वेस्टमेंट का ट्रैजेक्टरी बहुत हद तक जो है जिस तरह का ग्रोथ लीवर्स दिखाई दे रहे हैं इकोनॉमी जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिन्यूएबल है, बैटरीज है, ये सब तो नए सेक्टर अभी अभी जो है शुरू हुए और इनके चलते जो है जो जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो 2 से 3 साल में काफ़ी हद तक फ्रक्टिफाई होकर सामने दिखाई देगी, तो ये मेरा मानना है. ओके तो खरा साहब एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, फिर इतनी शानदार आपकी लोन ग्रोथ डबल डिजिट में, आपकी एनआईआई ग्रोथ शानदार रही है इतनी, आपका ग्रॉस एनपीए जो है वो ऑलमोस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक के लेवल पर आ गया है, नेट एनपीए उस लेवल पर आ गया है, आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी कंसिस्टेंटली 20% पर रही है, तो आपको लगता है कि मार्केट आपके साथ थोड़ा अनचैरिटेबल है, आपको प्राइवेट बैंक का वैल्यूएशन मिलना चाहिए? ये कुछ ऐसे मिथ्स मार्केट में रहते हैं कि पब्लिक सेक्टर एंटिटी है ये सस्टेनेबल रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन हम लोगों ने पिछले कई क्वार्टर से हमने लगातार बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं. मेरा मानना है कि मार्केट इस फैक्ट को रियलाइज करेगी और शायद हम लोगों को हमारे स्टॉक को रिवार्ड करेगी. बिल्कुल, क्योंकि और एक चीज है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं ये बहुत आई थिंक 3 या 4 साल पहले की बात है, तब मैंने पहली बार नोटिस की थी जब मैं फिनिक्स मिल्स में मैंने SBI की जो एक लेटेस्ट न्यू एज ब्रांच है उसमें मैंने कदम रखा था, वो एट पार है किसी भी मतलब बेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक में, तो उसमें आपने काफी काम किया है उस स्पेस में. हम लोगों ने कैपेसिटी बिल्डिंग में काफी काम किया, एम्बियंस पर बहुत काम किया है और मैं इस हद तक कहूंगा कि जहां तक कैपेसिटी बिल्डिंग का सवाल है, शायद प्रोफेशनल बैंकर्स जो हम ट्रेन कर पा रहे हैं बाकी बैंक्स नहीं ट्रेन कर पाते, और उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है. एपेक्स लेवल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है हमारे यहाँ पर 6, जिसमें कि जो है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो रहते हैं और वो उसमें ट्रेनिंग इम्पार्ट करते हैं, और उसको डिसेमिनेट करने के लिए हम लोगों के पास मोर देन 50 इंस्टीट्यूट्स आर देयर अक्रॉस द कंट्री. और इसके अलावा हमने टेक्नोलॉजी को काफ़ी लीवरेज किया है फॉर प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग इनपुट्स टू द स्टाफ. तो उस तरह से मेरा हमेशा से मानना रहा है कि बैंकिंग सेक्टर एक सर्विस सेक्टर से हटकर अब नॉलेज सेक्टर की तरफ बढ़ रहा है. तो नॉलेज सेक्टर में जब तक हमारे एम्प्लॉयज अपना नॉलेज अच्छा नहीं होगा तो दे विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू डिलीवर वैल्यू टू द कस्टमर. तो उस ये एक हम लोगों ने फिलॉसफी चेंज किया है कि सर्विस तो कस्टमर एक्सपीरियंस हमें इम्प्रूव करना ही करना है, लेकिन हमें साथ ही साथ अपने कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करनी है. बिल्कुल, ये आपने जो एक बातें कही इससे मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा था आपसे. एक इंडिया में ट्रेंड रहा था, एक और रीज़न था जो प्राइवेट बैंक्स रीरेट हुए थे, कि एक लगातार प्राइवेट बैंक्स मार्केट शेयर ले रहे थे PSU बैंकों से. क्या एक स्टेज पे आएंगे हम, आप ऑब्वियसली SBI की अगर बात करें तो कि SBI ना सिर्फ अपना मार्केट शेयर प्रोटेक्ट करेगा बल्कि और मार्केट शेयर गार्नर करेगा, ऐसी स्टेज में आएंगे क्या आपके साथ? हम लोगों का मार्केट शेयर इम्प्रूव हुआ है पिछले गत वर्षों में भी, आने वाले दिनों में भी जो हम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो हम नॉलेज में इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज की, और जो हम एक एफर्ट है कि हम अपने प्रोडक्ट्स के में अपने कस्टमर्स के लिए वी शुड बी अहेड, और हम उनको जो है जो भी उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो सब हम मीट आउट कर पाएं, जिसमें कि हम अपनी सब्सिडीज के प्रोडक्ट भी हम उनको ऑफर कर पाएं, तो मेरा ये मानना है कि हम मार्केट शेयर काफ़ी हद तक और भी अधिक इम्प्रूव करने की स्थिति में रहेंगे. देश में इस समय केपेक्स को लेकर आपका क्या व्यू है? क्या हम एक फुल फ्लेज केपेक्स साइकिल के रिवाइवल की तरफ हैं इस समय, और आपका क्या व्यू है? मेरा ये मानना है कि हम फुल फ्लेज कैपिटल साइकिल रिवाइवल की तरफ बढ़ रहे हैं, और जैसा मैंने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो हमारा स्पेशल फोकस है, और साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी पर जो फोकस है, बैटरीज, EVs, बैटरी स्टोरेज, ये सब जो एक नया ग्रोथ लीवर इकोनॉमी में अवेलेबल है, इसके चलते मेरा ये मानना है कि हम अपने जो है कैपिटल साइकिल रिवाइवल की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ इन सब के चलते जो कोर सेक्टर है
वो तो एज इट इज ग्रो कर ही रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन है। और इंडियन इकोनॉमी जो है बहुत हद तक जो है डोमेस्टिक डिमांड के ऊपर डिपेंड करती है, तो इसलिए इंटरनेशनल जो टर्बुलेंस दिखाई दे रहा है उसका इतना अधिक इम्पैक्ट नहीं आता है हमारे यहाँ पर, ये हमारे लिए पॉजिटिव है। सर, आपके नंबर्स में कंप्लेन करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो मार्केट ने पकड़ ली है पिछले दो क्वार्टर में वो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो आपका दो क्वार्टर पहले था, जो एक ऑलमोस्ट पीक मार्जिन था, कि क्या वो वाकई में पीक था? उसके बाद हालांकि इस क्वार्टर में आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन थोड़ा सा अरेस्ट हुआ है, जो पिछले क्वार्टर ज़्यादा डिक्लाइन था उसके मुकाबले, लेकिन यहाँ पर आप मार्जिन को लेकर क्या आउटलुक है? मेरी आशा है कि हम लोग इस लेवल पर जो इस क्वार्टर में हमने निम दिया है हम लोग उसी के आसपास रहेंगे। और उसका कारण यह है कि जहाँ तक डिपॉजिट का में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का सवाल है, वो हम लोगों ने ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं और उसका जो इम्पैक्ट है वो हद तक हम एब्जॉर्ब कर चुके हैं और इसमें अब उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। और जैसा कि कहा जा रहा है हायर फॉर लॉन्गर जो इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है, और उसके चलते मेरे को ये लगता है कि अब स्टेबल इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट रहेगा तो हमारा निम जो इस लेवल पर है हमें आशा है कि उसी लेवल पर मेंटेन हो पाएगा। और क्या एक विजिबिलिटी है कि जो दो क्वार्टर पहले का आपने रिकॉर्ड निम किया था वहां पर भी कभी वो शायद किसी स्टेज में देखेंगे अगर उस स्टेज पर आ पाए, क्योंकि वो एक ऐसा फेस था जिसमें कि डिपॉजिट भी रीप्राइस हो रहे थे, लोन भी रीप्राइस हो रहे थे, लेकिन अब वो डिपॉजिट रीप्राइस हो चुके हैं और लोन की रीप्राइसिंग में भी बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। और वैसे भी हम लोग हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखते हैं कि लोन का इंटरेस्ट रेट अफोर्डेबल ही रहना चाहिए, क्योंकि इट वो एक तो इकोनॉमी की ग्रोथ में पूरा सपोर्ट करता है और दूसरा जो है कस्टमर को पिंच नहीं करता। वो हमारी एक कोशिश हमेशा रहती है, लेकिन रीजनेबल रहना चाहिए, ये हमारी एक कोशिश है। ओके, तो आपको डिपॉजिट्स में लेकर कुछ बिकॉज ऑफ द रीसेंट फिनोमेना कुछ बैंक्स तो 7-8% भी डिपॉजिट दे रहे हैं, तो कुछ तकलीफ हो रही है क्या आपको फिर उसमें? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने अच्छा डिपॉजिट ग्रोथ अभी किया भी है और हम लोगों के पास जो हमारा क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है डोमेस्टिक बुक को अगर देखते हैं तो वो तकरीबन 65% के करीब है, जो कि बाकी बैंक्स में जो है वो 80-85% का जो है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है। तो इसका इस कारण से हम लोगों के पास इतना प्रेशर नहीं है डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का, क्योंकि हमारे पास काफ़ी स्कोप है, हम अपनी लोन बुक को अभी भी ग्रो कर सकते हैं और उसमें कोई हमारे पास चैलेंज नहीं है। सर, आपकी जो वैल्यूएशन होती है उसमें एक सम ऑफ द पार्ट्स में एक आपकी सब्सिडरीज का बहुत बड़ा रोल होता है। आपने ऑब्वियसली SBI लाइफ इंश्योरेंस को लिस्ट कराया हुआ है, SBI कार्ड्स को लिस्ट कराया हुआ है, SBI AMC को लेकर क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि मुझे याद है आपने कुछ महीने पहले कहा था कि अभी हम उसको ठंडे बस्ते में रख रहे हैं, लेकिन अभी मार्केट वापस हॉट हुआ है, म्यूचुअल फंड्स में लगातार रिकॉर्ड इन्फ्लोज आ रहे हैं, वापस एक बार सेक्टर एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, HDFC AMC का स्टॉक में एकदम से करीब 50-60% की रैली हुई है बहुत जल्दी 3 महीने में, एक रीलुक का मन हो रहा है क्या उसको मोनेटाइज करने के लिए? देखिए, ऐसा है कि AMC में कैपिटल का तो इतना रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, तो ये तो एक्चुअली ये एक इंडस्ट्री ऐसी है जो कि लाइट कैपिटल इंडस्ट्री है, तो इसमें नॉलेज बेस का ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है, तो इसी कारण से हम लोगों ने फिलहाल इसके ऊपर कोई विशेष रूप से हम ध्यान नहीं दे रहे कि इसको हम IPO वगैरह करें। और आने वाले दिनों में देखेंगे, अगर कुछ आवश्यकता हुई, कुछ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर, तब देखेंगे, लेकिन अभी तो इसका नेटवर्क काफ़ी अच्छा है और ज्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि इनकी स्कीम्स अच्छा परफॉर्म करें, जिसके ऊपर कि हमारा पूरा ध्यान है। नहीं, बिल्कुल, काफी अच्छा कर भी रहे हैं आप। मैं SBI म्यूचुअल फंड की मैनेजमेंट से लगातार मिलता रहता हूं, काफी वहां पर भी रेवोल्यूशनरी हुआ है, तो आप तब तक नहीं लाएंगे जब तक आपको कैपिटल की जरूरत होगी, मतलब सिर्फ इसमें अपॉर्चुनिस्टिक कैपिटल रेजिंग नहीं होगी, इसमें कोई जरूरत नहीं है, इसमें कोई जरूरत नहीं है। और हमने लाइफ और कार्ड को इसलिए IPO इसलिए भी किया था क्योंकि ये जो है इसमें कैपिटल की हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है और हम उसको डीकपल करना चाहते थे फ्रॉम द बैंक, तो इसलिए हमने उसको जो है किया था। SBI कैप्स, उसमें भी अभी कोई SBI कैप भी जो है उसमें भी इट्स अगेन ए लाइट कैपिटल एंटिटी, तो उसमें भी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, येस बैंक को लेकर अब आपका क्या रहता है? आपने टर्न अराउंड किया एक बैंक का, आपने एक मुश्किल समय में उस बैंक को संभाला, अब येस बैंक को लेकर क्या व्यू है? लॉक इन मेरे ख्याल से आपका शायद अब इसमें खत्म हो रहा है, तो क्या क्या व्यू होगा इस पर? अभी हम लोगों ने इस विषय में बोर्ड लेवल पर डेलिब्रेशन करना है
जब एक बार बोर्ड लेवल पर डेलीबेशन करेंगे तो कुछ भी बनाएंगे। आरबीआई की तरफ से आपको कोई इसमें डायरेक्टिव है क्या? ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल, लेकिन हाँ, लेकिन हम लोगों को जैसा जैसे हमारा टाइम पीरियड इसमें होगा, तो हमें, हम लोग इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो नहीं थे, लेकिन अब जैसे जैसे इसके ऊपर एक व्यू लिया जाएगा बोर्ड में, फिर हम एक कुछ आप लोगों से सबसे शेयर करेंगे।